लोकसभा में कल पेश हो सकते जीएसटी बिल, मनी बिल के तौर पर सभी बिल होंगे पेश। 28 मार्च को हो सकती है चर्चा। मुंबई में जीएसटी पर अहम बैठक, इंडस्ट्री से मिले वित्त मंत्री अरुण जेटली। किसानों की कर्ज माफ, प्याज एक्सपोर्ट के मुद्दे पर हुई बात। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई कर्मचारियों की संख्या में कर सकता है कटौती। अगले 2 साल में 10% कर्मचारी कम करने की योजना। 1 अप्रैल से महंगा होगा इंश्योरेंस, कार, बाइक और हेल्थ इंश्योरेंस का चुकाना होगा 5% ज्यादा प्रीमियम। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस भी हुआ महंगा, IRDAI ने बीमा कंपनियों को प्रस्ताव को दी मंजूरी। संदिग्ध खातों की जानकारी साझा करने से पहले स्विट्जरलैंड की चेतावनी, गोपनीयता तोड़ी तो स्विस बैंक में संदिग्ध खातों की जानकारी नहीं मिलेगी। जल्द सुलझ सकता है रेट्रो टैक्स विवाद, CBDT ने जारी की गाइडलाइंस। कैपिटल गेन्स टैक्स के प्रिंसिपल डिमांड चुकाने पर ब्याज और पेनल्टी होगी माफ। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार कार्ड होगा जरूरी, बढ़ते फर्जी लाइसेंस पर लगाम के लिए बड़ा कदम। लाइसेंस रिन्यू के लिए जरूरी आधार, अक्टूबर से लागू होगा नया नियम। तमिलनाडु में एक व्यक्ति ने बैंक में जमा कराए 246 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में घोषित की संपत्ति, पुरानी करेंसी की है पूरी रकम। IT विभाग का शिकंजा। कालेधन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने की अपील, पीएम मोदी ने कहा 2500 करोड़ रुपए का हो रहा है डिजिटल ट्रांजेक्शन। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की अपराधियों को चेतावनी, गुंडे माफिया छोड़ दे उत्तर प्रदेश, 2 महीने में दिखेगा नतीजा।